जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था उसे तो एक पुस्तक समझ करके अलमारी में बंद कर रखा है, इतना महफूज कर रखा है कि उसे खोलने की लोड़ नहीं समझी। हम आपके हाथ से उस कलम को, उस संविधान को लागू करवाएंगे जो लोग दलित और पिछड़ा के हमारे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी पार्टियां बना करके चला चुके हैं, जो बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, उनको आपकी जरूरत नहीं। उनके चैनल बंद कर दो आप अपने दरवाजे से। मुझे नहीं लगता आप यहाँ इतनी संजीदगी में खड़े हो या किसी बात को लेकर के आप चिंतित हो या अपने किसी मिशन के लिए आप काम कर रहे हो। अगर आप चिंतित हैं तो मैं मीडिया के बंधुओं से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, ये उपहास और उल्लास का विषय नहीं है, ये हमारे देश की चिंता का विषय है कि 75 साल निकलने के पश्चात भी जो गरीब है वो गरीब होता चला गया और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। इसी बात का कारण है कि संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था वो संविधान लागू नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर हम सब कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, भाई उस संविधान की किताब को कोई उठा के नहीं ले जा रहा, वो तो इतनी महफूज रख रखी उन्होंने, अलमारी में बंद कर रखी है, वो अलमारी में बंद करके ऊपर से लॉक कर रखा है, ताला लगा रखा है कि इसे खोलने की लोड़ नहीं है। वो तो इतना सेफ बचा रखा है कि उसकी एक लाइन भी आज देश के अंदर लागू करने के लिए मनुवादी व्यवस्था तैयार नहीं है। मित्रों, संविधान बचाने से पहले हमें कहना है कि जो बाबा साहब का मिशन है वो संविधान जो लिखा गया था जिसको लेकर के वो मनुवादी ताकतों के हाथ में दे करके घर बैठ करके चिंता कर रहे थे और आंसू टपक रहे थे कि मैं जिन लोगों को संविधान की ये प्रारूप दे के आया हूँ वो लोग कौन है, जो लोग 4000 साल से इस देश को लूट रहे हैं और खा रहे हैं वो लोग इस संविधान को लागू नहीं करेंगे। साथियों, हमने संविधान लागू कराना है। संविधान लागू कराने के लिए लोग बोलते हैं कि क्या ये 4-10 लोग, क्या ये 10-5 लोग जो छोटी छोटी पार्टियां चला रहे हैं, क्या ये लोग संविधान को लागू करा देंगे, क्या ये लोग हमारे को इंसाफ दिला देंगे। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सारे एक दूसरे के मोह माया से एक दूसरे के प्यार में आए हैं लेकिन वो संविधान की चिंता लेकर के नहीं आए। अगर आप लोगों यहाँ आए हो तो संविधान की चिंता हमारा सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। एक दूसरे के मुंह को, एक दूसरे के प्यार को हाजिरी दिखाने के लिए नहीं, व्यवस्था संभालने के लिए आप लोगों ने काम करना है। मेरी आप सबों से विनती है कि शब्दों से जितना घाल मेल हुआ इस मनु स्मृति में, यहाँ दो विचारधाराएं पैरेलल थी। यहाँ एक विचारधारा जो गौतम बुद्ध ने 2500-2600 साल पहले इस विश्व को दी, पंचशील दिया कि चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक वे विचार, बिना वजह हत्या, अगर इन बातों को, इन कुरीतियों को छोड़ करके इंसान दूसरों के लिए काम करे, समानता के लिए काम करे, बराबरी के लिए काम करे तो उसको लोगों ने महापुरुष कहा, जाने के बाद उसे भगवान का दर्जा दिया। आज विश्व के अंदर 195 कंट्री यूएनओ के सदस्य हैं, जिनमें 85 मुल्कों के अंदर साथियों गौतम बुद्ध को पूजा जाता है। वो इसलिए नहीं पूजा जाता, जहां जहां बुद्ध है, जहां जहां बुद्धि है, जहां जहां दिमाग है वहीं वहीं विकास है, और जहां जहां पर अंधविश्वास है वहीं वहीं सर्वनाश है। मित्रों, आज इस देश के अंदर जो दूसरी विचारधारा है मनु स्मृति, वो दूसरे को नीचा और नीचा और उससे भी नीचा और गया गुजरा बनाने तक शब्दों के साथ घाल मेल किया, दो विचारधाराएं बनाई, देव दानव, असुर सुर असुर, राक्षस। इस प्रकार का देव कौन था जो लेने वाला, देने वाला नहीं, देवी देवता लेने वाला,
और दानव कौन बनाया? देव की जगह जो देड़े बना था, लेकिन दानव को राक्षस रूप में परिवर्तित किया गया। ऐसे ही सुर, सुर किसको, सुरा किसको कहते हैं? शराब को। सुर का मतलब क्या हुआ? शराबी। जो शराबी है वो तो सुर है, देवता है, और जो असुर है, जो शराब नहीं पीता, अनार्या है। आर्या और अनार्या, इन शब्दों के घालमेल से पूरे देश के अंदर 85% लोगों को जिस प्रकार से इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार से आज इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं तो धन्य कहूंगा। एक व्यक्ति कहते हैं कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध आए, पूरे विश्व के अंदर शांति की विचारधारा बदल दी। एक व्यक्ति अशोक सम्राट आए, जिसने पूरे विश्व को जोड़ दिया। एक व्यक्ति मेरे भाइयों बाबा साहब आए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के हर उस बहन को, हर उस महिला को, हर उस बेटी को अधिकार दिया, पिता की संपत्ति में दिया, पति की संपत्ति में दिया, हर तरह का अधिकार देवियों और देवताओं ने नहीं दिया, किसी मंदिर ने बहनों को अधिकार नहीं दिया, वो संविधान ने अधिकार दे रखा है, शूद्रों को संविधान ने अधिकार दे रखा है। लेकिन हमारा जो दलित और पिछड़ा समाज है, वो मानसिक गुलामी ढो रहा है। जब तक ये मानसिक गुलामी ढोते रहेंगे तो बाबा साहब की आत्मा पे चोट करते रहेंगे। जिन्होंने कहा, बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक हम दान दे करके ताकतवर लोगों को और ताकत बढ़ाते रहेंगे, अपने बच्चे को हम 4 दिन लगा देंगे एक कॉपी देने में, लेकिन मंदिर में 100 का या 500 का नोट पटकते हुए देर नहीं करते। बदकिस्मती है दोस्तों, मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं खड़ा। अगर संविधान लागू कराना है तो फिर कहते हैं जो अगर एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तो महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनकी 28 नवंबर को पुण्यतिथि है, आज हम उनको याद करते हैं इसी मंच से, क्योंकि 28 नवंबर को हर साल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी बाबा साहब को और महात्मा ज्योतिबा फूले को इकट्ठे याद करती है। आज हम उनको नमन करते हैं और इसी मंच से महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए अमर रहे और अमर रहेगा एक नारा आपसे चाहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। साथियों, एक व्यक्ति ने आपको शिक्षा दी, आपको संजीदगी दी, आप अपने अधिकारों के लिए, आप अपने खिलाफ हो रहे शोषण और षड्यंत्रों के खिलाफ ताकि जागरूक हो सके। मित्रों, मैं आपसे ज्यादा कुछ ना कह करके हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अगर चाहते हैं कि संविधान लागू हो जाए तो संविधान अपने आप बच जाएगा। संविधान बचाने के लिए तो जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था उसे तो एक पुस्तक समझ करके अलमारी में बंद कर रखा है, इतना महफूज कर रखा है कि उसे खोलने की लोड़ नहीं समझी। हमने संविधान की उस पुस्तक को लागू करवाना है और इस देश के 2024 के मिशन को हमने आप सब भाइयों और बहनों से विनती की है कि जितना काम हम करते हैं उतना काम आपसे भी चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश का हर छोटा बड़ा काम करने वाला कामगार, काम करने वाला किसान और मजदूर, काम करने वाला कार्यकर्ता फैक्ट्री के अंदर, काम करने वाला जो हमारी बहनें यहाँ रेड़ी फड़ी का काम करने वाली, आज 3 लाख की नौकरी IAS IPS के लिए, जजों के लिए और दूसरे बड़े बड़े उन मकामों के लिए 1 मिनट नहीं लगाते लोग पक्का करते हुए, लेकिन 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला जो मैला ढोता है, जो आपके गटर में उतर करके आपकी नाली की सफाई कर देता है, उसे पक्का करने की बजाय आज भी ठेके पर चल रहा है। ये भेदभाव बहुत ज्यादा देर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 आ रहा है, हम सब ने जो IRF की टीम है उसमें नाभा कुमार सरनिया जी, भजमन बहरा जी हमारे MP साहब महाराष्ट्र से, और बहन हमारी जो है सुमित्री बाई फूले, ये दूसरी सुमित्री बाई फूले उस वक्त जो शिक्षा देके गई
अब ये संविधान के लिए आपके बीच में हम सब प्रयास कर रहे हैं। और ये नव कुमार जी, सुधांश जी, हम जितने भी यहाँ पर भाई हमारे नागमणि साहब के बाबू जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि जी, हमारे इस मंच के ऊपर भाई राकेश जी और इस सभागार में बैठे मेरे भाइयों, जो हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के विशेष तौर पर सभी लोगों ने पूरे हरियाणा भर से, हर जिले से पांच पांच दस दस लोगों ने आकर के हमारा हौसला बढ़ाया, ये हौसला हमारा नहीं है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर चाहो तो खून का आखिरी टपका, खून का आखिरी कतरा भी हम आपके लिए टपका देंगे, एक दिन भी पीछे नहीं हटेंगे। आपसे विनती है, ये कहते हैं लोग कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना हमारा फर्ज बनता है। हम आपको आने वाले 2024 से पहले एक इतना बड़ा, अभी तो आईआरएफ फ्रंट है, इस आईआरएफ फ्रंट के अंदर हम उन लोगों को भी जोड़ेंगे जो बड़ी बड़ी पार्टियां अभी अब से पहले चल रही हैं, कि हम आपको, हम आपके हाथ से उस कलम को, उस संविधान को लागू करवाएंगे जो लोग दलित और पिछड़ा के हमारे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी पार्टियां बना करके चला चुके हैं। उनमें लगभग 8 से 10 चीफ मिनिस्टरों को मैं मिल चुका हूं। उन चीफ मिनिस्टरों ने कहा कि भैया आप आगे बढ़िए, हम सारे इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म लाएंगे जो भारत के अंदर जातिगत जनगणना करेगा, 100% आरक्षण की बात करेगा। हम नहीं कहते हमारा 100% आरक्षण की बात करेगा, वो देश पे राज करेगा। इस व्यवस्था को अब तक नकारा है मनुवादी व्यवस्था ने, लेकिन अब ज्यादा देर तक इस व्यवस्था को निकाल नहीं सकेंगे। मैं सभी भाइयों से, आप जो यहाँ पर आए हो, नवा कुमार जी ने इधर खाने का इंतजाम भी कर रखा है, जो भाई रह गए, बहुत सारे लोगों ने खा लिया है, जो रह गए वो खा के जाएंगे, और मेरी गाड़ी में भी खाना रखा हुआ है, उसको आप लेकर के जाएं अपने अपनी गाड़ी का, जो भी भाई यहाँ पर हैं। तो मैं ज्यादा कुछ ना कह करके आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम 5-10 MP यहाँ पर हाजिर हैं, हम 8-10 MP जो यहाँ पर अभी हमारे इलियास हाजमी जी यहाँ से चले गए हैं, और हम 4-5 यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, हमारी आप सभी से भी विनती है, हमारा प्रयास निरर्थक ना रहे, हमें आपके कुशल चरणों की जरूरत हर समय है, कदम से कदम मिलाकर के चलते रहिए, हम सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। ये 2024 का हमारा IRF के माध्यम से एक ऐलान है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से। जो हमारे मीडिया बंधु यहाँ आए, भाई बड़े चैनलों वाले भले ना आए हों, लेकिन हमारे यही चैनल बड़े हो जाएंगे, जिस दिन हमारे हाथ में कलम होगी तो हमारे चैनल उससे भी बड़े कर देंगे, ताकि आपके चैनलों को वो लोग सलाम करें जो मनुवादी व्यवस्था में पैसे लेकर के आज जो है ना उनका गुणगान करते हैं, और हमारी बात सुनने के लिए वो यहाँ तक आ नहीं सकते, जिनको हमने यहाँ पर साथियों हमने डाल रखी है मेल, ये हमारा यहाँ संविधान दिवस पर एक प्रोग्राम है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई उनमें से आया हो, जो बड़े बड़े चैनल चलाते हैं उनको आपकी जरूरत नहीं, उनके चैनल बंद कर दो आप अपने दरवाजे से, उनकी खबर देखना बंद कर दो, अपने आप उनकी हेड आनी बंद हो जाएगी और वो बंद हो जाएंगी, और ये चैनल इनके, इनको आप देखो, ज्यादा है ज्यादा देखो, ये भाई जो चला रहे हैं सोशल मीडिया, इनकी हर बात को शेयर करो, लाइक करो, और हर बात हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, ये चैनल आपके चल पड़ेंगे और वो चैनल बंद हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।